लगी पड़ी है मेरी, लेकिन उसको बुला रही हूँ, इधर आ जाओ। सो डैम फट्टू यार। इयरविंग्स आपको गले नहीं, हार तो आपको नहीं बनेगा, रहने दो। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड इन टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आज का ये जो व्लॉग है काफ़ी रैंडम और स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसका इंट्रो जो था वो मिसिंग था, तो हेयर आई एम। एंड इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एज यू नो गाइज, चाहे कोई भी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट हो या हेयर केयर प्रोडक्ट हो या होम रेमेडीज हो, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ। स्पेशली इन विंटर्स में सबसे ज़्यादा परेशान रहती हूँ अपने बालों से, एंड द मोस्ट प्रॉब्लम आई फेस इज ड्राई स्कैल्प, इचीनेस एंड फ्रीजीनेस। सो आई डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ माई स्कैल्प, एंड फॉर दैट आई एम ट्राइंग द लोटस ऑर्गेनिक स्कैल्प केयर रेंज, एंड आई हैव देयर शैम्पू एंड रिविटलाइजिंग टॉनिक, हैज जिंजर ऑयल इन इट, एंड जिंजर हैव नेचुरली कंडीशनिंग प्रॉपर्टी, सो इट हेल्प्स गेट रीड ऑफ फ्रीजियर एंड प्रमोट्स टू हेयर हेल्थ एंड ग्रोथ। दे आर सल्फेट फ्री, आर्टिफिशियल, फ्रेगनेंस फ्री, and along with that I follow intensive scalp revitalizing tonic. You can take it on your palm or directly spray on your scalp, massage gently on your scalp and length, and particular this product is my favorite. It relieve itchiness, fight dandruff and improve hydration. I am very happy with the result of Lotus Organic Scalp Care Range. It works on my scalp, so I recommend you to try once. Coupon code mentioned on the screen, so you get 10% off. Link in the description box, so go try it once and let me know your experience in the comment section. Now go and enjoy the full vlog. It's a hilarious one. Oh shit, there is a glary in my store. Abhi kaise paun, mama. भागो। अरे बैठ क्या रही हो, भागो। जहां से आई हो वहीं से वापस निकल जाओ, जहां से आई हो वहीं से वापस निकल जाओ। हेलो ग्लहरी मैडम, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा खाने को, प्लीज प्लीज। मुझे ना ऐसे मतलब लाइक जो थोड़े से गिल गिले टाइप्स होते हैं ना, लाइक चूहा छिपकली, ग्लहरी से मुझे डर नहीं लगता, बट ये इतनी फास्ट होती है, धपड़ 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 करती है, तो आई एम स्कैर्ड। प्लीज चली जाओ, इधर से आई थी, इधर से चलाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। जैसे चढ़ी थी शी वाज लाइक ना पर्दे पे, लाइक जैसे ही मैंने उसको यहाँ से जाते देखा, आई एम स्कैर्ड, एंड वो सीधे पर्दे पे जाके खट खट खट, एंड आई वाज लाइक व्हाट, अभी ये नया भवन है, प्लीज जाओ। सी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या वो मुझसे डर रही है, क्योंकि अभी तक वो बहुत तेज थी और अब एकदम शांति से बैठ गई है। हेलो, मैं इसको अंदर तो नहीं छोड़ सकती, प्लीज गो। इधर आ जाओ। सुन रही हो, डरो मत, आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी, घर जाओ अपने। मैंने अपने दोनों पैर कुर्सी पर चढ़ा लिए। अरे अरे ऊपर मत देखो, ऊपर नहीं जाना तुम्हें, नीचे आना है। अरे 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 अभी मैं साइलेंट बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ सुन के वो साइलेंट हो जाती है। अभी वो इधर इधर उधर इधर उधर देख रही है, वो किधर जाती है। वैसे बिजली की रेत पकड़ के ऊपर जा रही थी, और ये तो उल्टा भी चल लेती, तो मुझे ये है कि ये यहाँ ऐसे ना चलने लगे। उसको भी अभी समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ आ गई है, क्यों आ गई है, उसको इधर आना नहीं था, वो गलती से आ गई है आई गेस। हाँ अभी मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा पूरा ध्यान उसी पर रहेगा।
अरे जाओ कर क्या रही, इधर आ जाओ। लगी पड़ी है मेरी, लेकिन उसको बुला रही हूँ, इधर आ जाओ। तुम मुझे डरा रही हो ऐसे देख के। आई नो यू आर क्यूट, ऐसे लुक मत दो यार। हेलो मैम, आपको क्या चाहिए? आपको आपके लिए क्या चाहिए? एयरविंग्स? आपको गले, नहीं हार तो आपको नहीं बनेगा, रहने दो। यू वॉन्ट डेंटी चैंस, यू वॉन्ट स्टड्स, वॉट यू वॉन्ट? पैसे भी मत देना, बस लो और जाओ, मैं आपको सब फ्री में दूंगी सब। यू वॉन्ट फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो? डन डील, बस अभी जाओ। अपनी पूछ पे स्क्रंची लगा सकती हो, दैट्स अ गुड आइडिया। ओके आई थिंक वो नीचे आने वाली है, आई थिंक वो नीचे आने वाली है। ऊपर मत देखो, नीचे आ, नीचे, हाँ कम नीचे, कम नीचे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ऊपर नहीं जाना, ऊपर मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ इधर ही से गई थी तुम चढ़ के, इधर ही से नीचे आ जाओ। आओ 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 आओ। नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। ओके हाँ नीचे आ जाओ। अरे 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 अरे, अभी वो चढ़ तो गई ऊपर, उसको खुद को नहीं पता उसको नीचे कैसे आना है। एंड आई एम तो दैट फट्टू पर्सन ना, कि मैं तो हाथ लगाने से भी डर रही हूँ। यू नो देयर इज़ वन फनी स्टोरी, लाइक बचपन में हमको ऐसा बोला गया था कि जो भी इंसान गिलहरी को, मतलब जिंदा गिलहरी को हाथ लगा लेते हैं ना, या उसकी पूँछ को हाथ लगा लेता है ना, तो वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। तो मेरे डर ने मुझे कभी वो करने नहीं दिया, और इसलिए शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट फट्टू मैं अभी भी हूँ। ऐसा लग रहा है अभी जंप करेगी, मैं बिल्कुल चुप बैठी हूँ ताकि उसको ऐसे एहसास ना हो कि यहाँ पे कोई है, और वो अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान बना सके। मुझे लग रहा है उसको नीचे आना है, लेकिन वो आ नहीं पा रही है। इसका मुंह एकदम चूहे जैसा है, बस बॉडी गिलहरी की है। बस गई है मुझे लगता है, मुझे अपने से कोई कम फट्टू ढूंढना है इसको पकड़ने के लिए। ये अंदर नहीं है, वो ऊपर है, ऊपर उसकी है। तुम पूछ पकड़ लोगे उसकी? ओ माय गॉड, ए भाई ये डराना ना नहीं, किसी को छोड़ के आने उसको बाहर। नहीं उठा के दीदी के पास ही जा, कुछ है ना उसे पैन का ढक्कन वक्कन उसे मारना है, और फिर वो थोड़ा वो हो ए भाई ये चश्मा नहीं मारू। दिख रही है आइनू? नहीं ये तुमको दिख, इस पे चढ़ो, टेबल पे चढ़ो, टेबल पे चढ़ो, तुम्हें दिखेगी। देखो दिख रही है, वो छोटा सा पत्थर जैसा लग रहा है, दिख रही है ना? अभी तो कहती मुझे डर नहीं लगता अभी। दीदी ये सबके सामने ऐसी बोलती, मुझे डर नहीं लगता, मैं ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, आई नो। आ रही है, सुन रही तुम्हारी बात, वो बुलाओ, तुम तो डरा रहे हो कि बुला रहे हो? आजा हु हु, आजा हु हु क्या होता है उसको, अच्छे से बुला, उसके मुंह पे मैं मारना, आसपास मारना, मारो मारो। ए भाई ये आंख में नहीं मारना, पूछ ऊपर आई उसकी। अब तुम उसके, देखो उसके पीछे चली गई है ना वो, है ना, अब तुम उसके ऊपर आवाज करोगे तो वो वहां से निकलेगी, लेकिन वो इधर नहीं आ जाए। पर चल आई नो यार।
अरे उसके ऊपर आवाज करो, उसके ऊपर। ओके सो कोई अपडेट, मुझे नहीं पता गिलहरी बाहर निकली कि नहीं। 3 बच्चे हो गए दिख रहा है, रुको। ओके 3 बच्चों ने मेरा साथ दिया और इसमें से एक मुझसे थोड़ा कम्फर्टू था, बहुत ब्रेव था, उसने उनको उसको भगाया। हम लोगों ने वेट है, मैं हाँफ रही हूँ। ओके हम लोगों ने उसको निकलते हुए देखा, लेकिन हमने उसको बाहर निकलते हुए नहीं देखा, मैंने रैक के नीचे आते हुए देखा उसको। उसके बाद हमने सब जगह ढूंढा बट वो नहीं मिली। मैं प्रे कर रही हूँ कि वो निकल गई और शाम को जब मैं जाऊँ मुझे ना मिले। ऑल्सो आई गॉट पार्सल जो मैंने मंगाई थी स्लाइडर्स, और वो मैंने अपनी स्टोर पे खड़े खड़े लिया है। लाइक मैं कुर्सी के ऊपर चढ़ी हुई थी उस वक्त, और फिर जो तीनों मेरे हेल्पर थे उसमें से एक ने लाके मुझे दिया, तो इट्स अ वेयर कंडीशन। तो मैंने ऑर्डर की थी ये फ्लाइट की स्लाइडर्स, और ये दिखती हैं कुछ इस तरह। ओके तो मैंने ये घर पहनने के लिए ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मेरी जो स्लाइडर्स थी वो टूट गए हैं और ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं। लास्ट टाइम जो थी मेरे पास वो अड्डा की थी और वो यहाँ से ना ऐसे चिपकी हुई थी, सो वो जो चिपकी हुई थी वो निकल गई थी, इसलिए मैंने इस बार कुछ ऐसा ढूंढा। एंड लुकवाइज भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, सबने बोला कि एक साइज बड़ा लेना, बट मैंने 6 ही मंगाया और मुझे ये परफेक्ट है। आई थिंक थोड़ा बड़ा ही लग रहा है क्योंकि मेरा साइज तो 6 है, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये मेंस वाइट स्लाइडर्स हैं, तो आई थिंक ये मेंस के साइज में है इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा है, बट इट्स कंफर्टेबल और लुक वाइज भी अच्छी है, तो मुझे अच्छी लग रही है। लाइक सी, और मुझे घर में पहनना है तो ठीक है। इसका ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे लिखा है 214, बट आई गॉट दिस फॉर 125 रुपीज। तो इसमें और भी कलर्स थे बट वो मुझे इतने समझ में नहीं आए। मुझे एक कलर समझ में आया था लेकिन वो आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने वाइट में लिया। एंड अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे बोला, दैट मैं लिंक फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आई एम स्टैंडिंग ऑन चेयर। नट्स कन्फर्म्ड कि गिलहरी इधर ही है, क्योंकि यहाँ से लाइक इट्स लाइक इतना ऊपर, यहाँ से दिया वो नीचे पड़ा हुआ है, वहाँ पे पर्दा हम पूरा ढक के गए थे, पर्दा पूरा हटा हुआ है। सो आई एम प्रिटी श्योर गिलहरी इज स्टिल हेयर एंड आई एम सुपर स्कैर्ड, क्योंकि यहाँ देखो पूरा धूल वूल सब करके गई है वो। अभी मेरे को डर लग रही है यार। I found, she is here. Oh my god, so scary, like shit. मैं अभी बिल्कुल सन्नाटे में बैठ के इधर से उधर देख रही थी, लाइक सी मैं ऐसे पैर ऊपर चढ़ा के बैठी हूँ और मैं इधर उधर देख रही थी कहाँ हो सकती है, और अचानक से मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही थी एंड मैंने ऐसे देखा एंड मैंने पूरी जगह देखा एंड फिर वो कपड़ा हिल रहा था लाइक ऐसे। आई नो आई एम टू फट्टू बट लिटरली लाइक डर लगता है यार मुझे, अभी मैं क्या करूँ। सी 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 ये 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 जो ये है ये जो उठा उठा सब आ गया, इट्स गिलहरी। दिस 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 देखो 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 सी सी बायला, देखो गिलहरी पकड़नी आती है। हाँ। वो देखना उस कपड़े के नीचे है। हाँ। वो उस कपड़े के नीचे है। पकड़े रहूंगे मैं। अरे भाई ये इतनी बड़ी है वो कपड़ा दिख रहा है जो उठा उठा है बीच में, वहां अंदर घुसी है, इतनी बड़ी है उसके अंदर। अभी मेरा थोड़ा सा डर बाहर निकला है क्योंकि मुझे एक लड़की मिली है, बच्ची मिली है जिसमें मुझसे ज़्यादा हिम्मत है, और उसने जस्ट यू बोला कि हाँ मैं पकड़ लूँगी, और अब मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो आएगी और वो उसे पकड़ेगी। आई एम स्टिल स्केर्ड लाइक यार, आई एम सो डैम फट्टू यार।
आगे इस साइड, क्योंकि अभी इस साइड भग के उसने पता है ऊपर से दिया भी है सब गिरा दिया था, उसको बाहर छोड़ना है कैसे भी। अंदर तो नहीं चली गई, आ जाएगी इसके अंदर। बंद हो जाते वो अंदर जाएगी ना तो वो गिर जाएगा अपने आप, लेकिन उसके अंदर जाएगी नहीं, वो एक तो वैसे भी बहुत तेज होती है। निकाल दे, मेरे को डर लग रहा है। देखो ऐसे करती है वो, इतना तेज फिसलती है इसलिए तो तेरे को डर लगता है। बीच में ना जगह है, उस साइड के बाहर ना आ जाए। बीच में है ना, हटा ये, हटा ये, हटा दूँ। हाँ इधर या इधर गई है कहीं, उसमें आएगी अंदर तो लगता है। नहीं है बीच में, उधर उधर कौन घुसे। हाँ हाँ तो मैं वो एक काम है, पर्दा पूरा पहले ये वाला पर्दा पूरा बंद कर दे, नहीं तो अंदर चली आएगी। कौन सा ये वाला? हाँ पूरा अंदर चली आएगी, अंदर गई तो फिर ऊपर से ऊपर वो उसके वो रखा है उसको पीछे खींच दे, पटिया। हाँ पीछे कर दे पटिया को, पीछे कर दे। हाँ तो वो खींचेगा पर्दा, और पटिया पीछे कर ऊपर वाला। हाँ अंदर चली गई ना फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तो निकल जाएगी। अरे अंदर सामान रखा है ना, अंदर गई तो वो बड़े बड़े कर देगी। हट जाएगा ये हनुमान जी। हाँ अब यहाँ से बंद हो गया, अब वो उधर ही उधर घूम सकती है, अब तू पकड़ सकती है उसको। देखिए तो मोटी मोटी भैंस कहाँ गई, निकल तो कहाँ गई है? इधर तो आई भी नहीं, यहीं पे हो है, यहीं पे। यार इसने आतंक मचा दिया है। ओह मैन, अब मुझे थोड़ी सांस पे सांस आई है, अब डेट फाइनली ग्लैरी बाहर जा चुकी है। अभी तो मैंने थोड़ा साफ कर दिया इधर पे, जब हम लोग जब वो इसके पीछे थी हम उसे बाहर निकाल रहे थे, और हमारी 2 मिनट के लिए आंखें इधर उधर हुई है और वो यहाँ इसके पीछे आ गई, वहां से वो यहाँ इसके पीछे आ गई। एंड इतनी बड़ी बच्ची है, उसने जैसे ही ड्रॉर को थोड़ा सा आगे किया इसको और उसके हाथ पे, एंड वी वर लाइक शिट मैन, इतनी तेज हम चिल्लाए हैं। उसके बाद वो इस पूरे रैक के नीचे जाके उसने जो आतंक मचाया है। फिर टाइम पे शुभम आया और उसने जैसे जैसे हर जगह डिब्बे लगाए, जैसे वो लगाया ऐसे मेरे ये सारे पार्सल्स वाले डिब्बे उसने इधर उधर लगाए, फिर जाके वो एक पार्सल के डिब्बे में आई और फाइनली अब वो बाहर जा चुकी है। अभी ना मैं जब भी नीचे आऊंगी ना तो मेरे दिमाग में से रहेगा कि कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं। अभी मुझे अभी तक मेरा वो मतलब मैं उस डर से बाहर निकली नहीं हूँ। इट्स वो ऐसे जल्दी 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 भागती है ना इधर उधर, वो बच्ची के तो लिटरली वो हाथ में और वो ऐसे 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 फ्लो कर रही थी दीदी। और मैंने कहा मैं जब शुभम आया तो मैं बिल्कुल बाहर जा चुकी थी क्योंकि वो उस टेबल के नीचे आ गई थी। फाइनली अभी वो बाहर जा चुकी है एंड आई जस्ट विश कि अभी वो ना आए। एंड आई नो उसके लिए भी एक हिलेरियस एक्सपीरियंस रहा होगा ये, तो अब वो सोचेगी भी नहीं, बट उसकी कोई भाई बंधु बहन सोचे तो इसलिए ना आए तो बेहतर है। सो अभी इसी डर के साथ इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करती हूँ। प्लीज आई डोंट स्पैम इन कॉमेंट्स की आपको एक गिलहरी से डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है यार, और ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कौन सी चीजों से डर लगता है सबसे ज्यादा, जिसको आप ऐसे देख नहीं सकते और मेरी तरह आप फट्टू हो उसको देख के। सो
इस व्लॉग का कोई इंट्रो नहीं है तो मैं आउटरो तो कर ही दूँ. तो आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग. इफ यू डू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिलो कमेंट करके बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. यू आते रहा करो, प्यार देते रहा करो, अच्छा लगता है. बाई.